मुझे मुझे बात करनी है आप। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम जाओ यहाँ से। नहीं ऐसा मत कहिए, देखिए हमारा बात करना बहुत जरूरी है। दरअसल मैं आपको सच बताने आई हूँ, प्लीज। क्यों सुनूं मैं तुम्हारी बात, जब हमारे बीच में कोई रिश्ता ही नहीं है तो बात क्यों सुनूं मैं तुम्हारी। तुमने डिवोर्स पेपर्स भिजवाए थे ना, घर छोड़ने के बाद तुमने उस रिश्ते को किसी लायक नहीं छोड़ा, तो जिस रिश्ते को तोड़ने की शुरुआत तुमने की थी ना, उसे मैं खत्म करूंगा। तुम जाओ यहाँ से, मुझे बात नहीं करनी। प्लीज देखिए ऐसा मत कीजिए, आपको जो दिखाया गया सुनाया गया है ना वो सब झूठ है। सच मैं आपको बताऊंगी, मेरे पास सबूत है। सच सफाई तुम अपने पास रखो, मुझे कुछ नहीं सुना, तुम जाओ यहाँ से। प्लीज प्लीज ऐसा मत कहिए। देखिए आज न सही लेकिन उस वक्त के लिए जो हमने साथ में गुजारे। रिश्ते के लिए नहीं लेकिन हमारे बीच जो दोस्ती थी जिसकी वजह से हम एक दूसरे के साथ खड़े थे उसकी उस नाते एक बार सुन लीजिए। उसके बाद आप जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा। आप सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लीजिए, प्लीज मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। तुम मेरे सामने हाथ जोड़ो, गिड़गिड़ाओ, जमीन पे गिर जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आई डोंट केयर, तुम जाओ यहाँ से। प्लीज ऐसा मत कीजिए, आखिरी मौका तो भगवान भी देते है ना, एक मौका दे दीजिए। मौका और कितने मौके दूं मैं तुम्हें, जब जब मैंने तुम्हें मौका दिया तुमने सिर्फ मुझे धोखा दिया। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। मेरे बच्चे अभी भी आया, मेरे साथ ही है ना, यहाँ क्यों नहीं आया? अरे तू बोलती क्यों नहीं? तू मेरे अलावा और कौन हो सका है यहाँ पे? दादी दादी आपकी प्यारी बहू प्रज्ञा ये घर छोड़ के जा चुकी है, भूल जाइए उसे कि वो इस घर की बहू थी और मुझे इस घर की बहू बना लीजिए। वैसे भी आप जिसे इस घर की बहू बना के लाई थी उसने कभी अभी को खुशी दी ही नहीं, इनफैक्ट उसे इतना परेशान कर दिया कि वो खुद की लाइफ से मायूस हो गया। और आप मेरी शादी करवा दीजिए अभी से। मेरे जीते जी तू इस घर की बहू कभी नहीं बन सकती। आपकी किसी बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अभी को नहीं छोड़ूंगा। नहीं करनी ना आपको मुझसे बात, मैं भी कहीं नहीं जाऊंगी। आखिर में तो आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी ना। मैं भी देखती हूँ आप कितनी देर मुझे यहाँ इस तरह बारिश में खड़ा देख सकते, और देख लेंगे कौन जीत जाता है कौन हार। मेरा प्यार आपका गुस्सा अब मेरे लिए नहीं लेकिन हमारी दोस्ती की खातिर एक बार मेरी बात सुनो। उस दोस्ती की खातिर जिसके साथ मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए। आप उस दोस्ती की इज्जत रख लीजिए, उस दोस्ती की इज्जत क्या एक बार आप मेरी बात सुन। थैंक यू कि आपने मुझे एक मौका दिया। मुझे पता था आप कितने भी नाराज हो मुझे तकलीफ में नहीं देख सकते, लेकिन मैं जो कुछ भी आपको बताना चाहती हूँ ना सिर्फ मेरे लिए नहीं, वो हम दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सच्चाई एक बार आपको
मैं तुम्हें यहाँ तुम्हारा सच सुनने के लिए नहीं बुलाया और ना ही तुम्हें मौका देने के लिए। मैंने कहा ना तुमसे कि तुम्हारे सच तुम्हारे सबूत का कोई असर नहीं होने वाला मुझ पर। जिस तरह दिल के टूटने की आवाज नहीं आती उसी तरह टूटे हुए दिल तक किसी की आवाज नहीं पहुंचती, इसलिए अपना रोना गिड़गिड़ाना बंद करो, उसका मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। बस मैं तुम्हें यहां पर लाया उसका मतलब यह नहीं कि मैंने तुम्हें माफ किया। मैं तुम्हें यहां पर हमारी दोस्ती के लिए नहीं लाया और ना ही हमारे रिश्ते के लिए। मैं तुम्हें यहां पर इंसानियत के लिए लाया और वो तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारी तुम्हारी मां के लिए। क्योंकि अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो मैं जानता हूं उन पर क्या बीतेगी। अरे एक बेटी तो वो खो चुकी है, दूसरी बेटी खोने का सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। औलाद खोना क्या होता है ना, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। बस अब मैं तुम्हारी मां को फोन करूंगा, उनसे कहूंगा कि वो तुम्हें यहां से ले जाए, उसके बाद तुम्हारे साथ जो होना है हो जाए। आई रियली डोंट केयर। हेलो हेलो प्रज्ञा, मैं अभी बोल रहा हूँ। रजी आप, वो प्रज्ञा तो घर से आपसे मिलने के लिए निकली थी, वो आपके साथ ही है ना? वो मेरे साथ ही है, मेरे लोनावले वाले घर पे। आप प्लीज जल्दी आकर उसे यहाँ से ले जाइए। ये आप क्या कह रहे हैं बेटा जी, मैं प्रज्ञा को लेकर जाऊँ? मतलब प्रज्ञा तो ठीक है ना? वो ठीक है आंटी, लेकिन मैं ठीक नहीं हूँ और जब तक वो यहाँ पर रहेगी मैं ठीक नहीं रहूंगा, इसलिए प्लीज उसे ले जाइए यहाँ से। आप एक मिनट मेरी प्रज्ञा से बात। फायदा नहीं है, सब खत्म हो चुका है। सब खत्म हो गया, रिश्तों के धागे टूट गए, दूरी मिटाने के लिए जो रास्ते बनाए वो रास्ते छूट गए। अब कोई हमें मिला नहीं सकता, न कोई सच न कोई सबूत, कुछ भी नहीं, सब खत्म, सब खत्म। सरला कहाँ जा रही है इतनी रात को? बीजी अभी का फोन आया था, प्रज्ञा वहां अभी के साथ उसके लोनावला वाले बंगलों में। बीजी वो कह रहा है कि प्रज्ञा को वहां से लेके जाओ। ये तो समझ में नहीं आ रहा कि प्रज्ञा ने फोन क्यों नहीं किया, उनके बीच कोई झगड़ा तो नहीं हो गया? बीजी मैं टैक्सी लेकर जाती हूँ और प्रज्ञा को अपने साथ ही लेकर आती हूँ। तो रुक जा सरला, तू कहीं नहीं जाए, तू मेरी बात को ध्यान से सुन। इतनी मुश्किल से ये मौका मिला है, जब दोनों अकेले, तनु भी नहीं है बीच, जरा सोच वो दोनों अकेले। हो सकता है जिस रात को हम लोग मनहूस कह रहे हैं वो रात उनकी जिंदगी में एक नई सुबह लेकर आए। सोच वो दोनों अकेले, ऊपर से बारिश, सब मिलकर एक अजीब सा माहौल पैदा करें। हाँ बहन जी, बीजी बिल्कुल ठीक कह रही है। बीजी ये भी तो हो सकता है ना कि सब कुछ उल्टा हो जाए, उन लोगों के बीच झगड़ा बढ़ जाए और। अरे झगड़ा हो चुका है, रिश्ता टूट चुका है, अब इससे ज्यादा और क्या होगा? और हमें बुरी बातें नहीं सोचनी चाहिए सरला, हमें उन दोनों को मिलाने की बात सोचनी चाहिए। हो सकता है कि आज की रात वो बात हो जाए जिसका इंतजार हम एक मुद्दत से। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।